भारत का पड़ोसी और दुश्मन देश पाकिस्तान एक बार फिर कंगाली की राह पर है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जिस तरह से लगातार नीचे गिर रही है, उसको देखते हुए पाकिस्तान ने जल्द ही अपनी हालत नहीं सुधारी तो उसकी स्थिति और बदतर हो सकती है। पाकिस्तान आए दिन दूसरे देशों से कर्ज लेकर अपना गुजारा कर रहा है और खुद को कंगाल होने से बचाने की जुगत में लगा रहता है। पाकिस्तान के कंगाल होने को देखते हुए चीन ने पाकिस्तान को 2.5 अरब डॉलर का कर्ज देने का फैसला किया है। चीन पाकिस्तान को विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने के लिए 2.5 अरब डॉलर का कर्ज देगा, एक मीडिया रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई। पाकिस्तान इस समय विदेशी मुद्रा भंडार के गिरते जाने और विदेशी कर्ज के बढ़ते जाने की समस्या से जूझ रहा है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार गिरकर 8.12 अरब डॉलर पर आ गया है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के सुझाए न्यूनतम स्तर से भी कम है। ये मुद्रा भंडार महज 7 हफ्तों के आयात के भुगतान के लायक ही बचा है, यानी पाकिस्तान के पास सिर्फ 7 हफ्ते के लिए ही पैसे बचे हैं। उसके विदेशी मुद्रा भंडार में महज 8.12 अरब डॉलर बचे हैं, जो उसके 7 हफ्तों के आयात का ही भुगतान कर सकते हैं। इसी कारण विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक पाकिस्तान को कर्ज देने से मना कर चुके हैं। पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून से वित्त मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि बीजिंग केंद्रीय बैंक के पास 2.5 अरब डॉलर जमा करेगा। अखबार ने कहा कि इस मदद के बाद चालू वित्तीय वर्ष चीन द्वारा दी गई सहायता राशि 4.5 अरब डॉलर पर पहुंच जाएगी। इससे पहले चीन ने पिछले साल जुलाई में पाकिस्तान को 2 अरब डॉलर का कर्ज दिया था। सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री इमरान खान ने चीन, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जाकर कर्ज का इंतजाम किया है। उन्होंने तीनों देशों से करीब 14.5 अरब डॉलर के कर्ज का आश्वासन मिला है। वैसे पाकिस्तान को जरूरत कम से कम 25 अरब डॉलर की है। इमरान की कोशिश पाकिस्तान को आर्थिक संकट से उभारने की है। इसके लिए वे कुछ और देशों से भी पैसे जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार बनने के बाद से ही वहां की अर्थव्यवस्था गोते लगा रही है। पाकिस्तान को कंगाल होने से बचाने के लिए कभी इमरान खान गधे बेचते हैं तो कभी पीएम हाउस की लग्जरिया गाड़ियां। लेकिन पाकिस्तान के आर्थिक हालात सुधरने की जगह लगातार बिगड़ रहे हैं। अगर ऐसा ही चला तो इमरान खान साहब, वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान पूरी तरह से कंगाल हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।